हेलो एवरीवन दिस इज चैप्टर नंबर इलेवन द कॉप एंड द एंथम बाय ओ हेनरी जब मेडिसन स्क्वायर के पार्क में गीज बर्ड्स नॉइजी वॉइस कर रहे हैं जब वमन विदाउट सील स्किन कोर्स मतलब एक्सपेंसिव कोर्स अपने हस्बैंड पे काइंड हो रही है उन उन्होंने उन्हें हाँ हक कर रही है एंड जब सोपी एक बेंच पे बैठा हुआ अन ईजिली मूव कर रहा है तब हमें समझ में आता है कि विंटर आ, आने वाले हैं एक डेड लीफ सोपी के लैब पर गिरता है एंड जो होता है जैक फ्रॉस का कार्ड मतलब विंटर का कार्ड जो विंटर सीजन है उसने अपने मेडिसन स्क्वायर के डेनिजेंस इनहेबिटेंट्स को एक वार्निंग दी है कि अब विंटर सीजन आने वाला है तो रेडी हो जाइए सोपी को भी ये पता चल गया है वो अवेयर हो गया है कि अब उसे आने वाली जो हार्शनेस है उसे फेस करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा सोपी के हाइपर नटोरियल हाई नहीं थे हाइपर नटोरील मतलब प्लान्स फॉर अ शेल्टर हाई नहीं थे वो मेडिटरेनियन क्रोसेस सपोरिफिक साउद स्काइज मतलब रिलैक्सिंग रीजन विथ वार्म सन लाइट एंड ड्रिफ्टिंग इन द वेशियन बे के सपने नहीं देख रहा था उसे सिर्फ ब्लैक वेल आईलैंड में तीन महीने के लिए रहना था ब्लैक वेल आइलैंड पे एक जेल था वहाँ पे उसे जाना था तीन महीने के लिए रहने के लिए जहाँ पर उसे अशोर फूड शेल्टर एंड ऑल्सो फ्रेंडली कंपनी मिलेगी वो सेफ हो जाएगा बोरियाज एंड ब्लू कोर्स से बोरियाज मतलब ग्रीक गॉड ऑफ द नॉर्थ विंड एंड ब्लू कोर्स इज़ अ सिंबल फॉर चैरिटी चैरिटी करने वाले पीपल कई सालों से सोपी ब्लैकविल्ड आइलैंड पे अपने विंटर हाउसिंग यानी विंटर क्वार्टर्स का बंदोबस्त करता था जैसे अदर न्यूयॉर्कर्स अपने विंटर वेकेशन के लिए पाम बीच रिवेरा पे जाते थे सोपी सोपी ने आइलैंड जाने के पूरे अरेंजमेंट बना लिए थे हाई टाइम था कि सोपी uh, कुछ ना कुछ प्लान करे, बिकॉज प्रीवियस नाइट सबैद न्यूज़पेपर मतलब संडे संडेज़ न्यूज़पेपर जिस जिसको उसने अपनी uh, कोट के नीचे अपनी एंकल के नीचे और अपनी लैब के ऊपर रखा था uh, कोल्ड से बचने के लिए वो फ़ेल हो गया था सोपी न्यूयॉर्क में जो चैरिटेबल ट्रस्ट है जो इंस्टीट्यूशंस थे उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता था इन हीज़ ओपिनियन लॉ लॉ जो था वो उन 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 चैरिटेबल ट्रस्ट से भी ज़्यादा काइंड था न्यूयॉर्क में बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन म्यूनिसपल एंड एलिमोसनरी दैट इज़ डिपेंडेंट्स ऑन चैरिटी थे जहाँ पे वो अपने रहने रहने की बंदोबस्त कर सकता था बट वो सब उसे बर्डन लगता था अगर तुम पैसों से पेमेंट नहीं कर सकते तो तुम एम्बेरस होकर पेमेंट करो ऐसे उसके ओपिनियंस थे चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में ऐसी प्लेसेस पे इंस्टेड ऑफ़ पेमेंट आपको हर रोज बात करनी पड़ेगी एज़ वेल एज़ आपको बहुत सारे क्वेश्चन पर्सनल लाइफ के बारे में पूछे जाएंगे ये सब सोच के सोपी को वहाँ जाने के बजाय जेल में जाना जाना ज़्यादा प्रॉम्प्ट लगा जेल में जाने के लिए बहुत से रास्ते थे उससे सबसे ईजिएस्ट जो रास्ता था वो ये था कि एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और बाद में इंसॉलवेंसी मतलब कुछ भी पैसे नहीं हैं ये बोल के जेल में जाना ये उसका प्लान था वो अपने पार्क में जो बेंच था वहां से उठा और चलने लगा वो एक ग्लिटरिंग के ग्लिटरिंग कैफे के सामने आके खड़ा हुआ सोपी को खुद पे कॉन्फिडेंस था उसकी वेस्ट के लोवेस्ट बटन से ऊपर तक उसको उसे खुद पे विश्वास था उस पर कॉन्फिडेंस था उसकी कोट डिसेंट थी और जो फोर इन हैंड टाई थी वो भी नीट एंड ब्लैक थी जो से लेडी मिशनरी दैट इज़ अ वुमेन वर्किंग फॉर चैरिटी उन्होंने दी थी थैंक्स गिविंग डे पर अगर वो किसी भी तरह टेबल रेस्टोरेंट के टेबल तक पहुँच गया तो उसे सक्सेस मिलने ही वाली थी सोफ़ी ने डिसाइड किया था कि वो एक रोस्टेड मिलाड डक चैबलिस कैम्बर्ड डेमिड डैसी एंड सिगार ऑर्डर करेगा वो ज़्यादा एक्सपेंसिव मील ऑर्डर नहीं करने वाला था क्योंकि उससे जो कैफ़े मैनेजमेंट है वो उस वह रिवेंज लेने की सोचती अगर वो एक्सपेंसिव मील ऑर्डर करता पर वो सिर्फ लिमिटेड आ, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी की मील ऑर्डर कर रहा था जिसके उसका पेट भी भर जाए और उसे आ, जो आइलैंड में जाने की जर्नी है वो वो कंप्लीट करे वो सक्सेस हो उस जर्नी में बट जैसे ही सोपी ने उस रेस्टोरेंट में फेर डाला वहाँ की हेड वेटर्स ने उसके फटे हुए ट्राउजर्स एंड ओल्ड एंड फटे हुए जो शूज़ है उस पर वो हेड वेटर्स की नज़र पड़ी और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया अब वो दूसरे तरीके के बारे में सोच रहा था सोपी ब्रॉडवे की स्ट्रीट पे चल रहा था वहाँ पे सिक्स एवेन्यू जो स्ट्रीट थी वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड क्लेवरली डिस्प्ले करके वेयर्स यानी कि यूटेंसिल्स डिस्प्ले किए हुए थे एक शॉप में सोपी ने एंग्रीली एक पत्थर उठाया और जो शॉप थी उसके जो प्लेट ग्लास थे उस पर वो पत्थर मारा और ग्लास टूट गया आजू बाजू के लोग गर्दी करने लगे उधर एक पुलिस मैन उनके लीड में था उसने सोपी को पूछा कि जिस भी पर्सन ने ये काम किया है वो कहा है सोपी ने कहा कि आपको ये नहीं लगता कि वो वो पर्सन मैं ही हूँ मैंने ही ये काम किया होगा पुलिस मैन ने सोचा कि जिस भी व्यक्ति ने ये काम किया होगा वो यहाँ पे खड़ा क्यों रहेगा वो भाग जाएगा इसलिए उसे सोफी पे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ पास में एक एक मैन कार की तरफ भाग रहा था तो पुलिस मैन को लगा उसी ने ये काम किया होगा तो पुलिस मैन उसके पीछे भागने लगा इसी तरह सोपी का सेकेंड प्लान भी फेल हो गया वो फिर से एक रेस्टोरेंट में गया जो रेस्टोरेंट था वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं दिख रहा था वो एक नॉर्मल रेस्टोरेंट था सोपी ने वहाँ पे बीफ स्टिक फ्लैप जैक्स डोनर्स एंड पाए खाया और वेटर आने के बाद उसे बताया कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और कहा कि अब जाओ कॉप को बुलाओ पुलिस को बुलाओ और मुझे ज़्यादा वेट करने के लिए मत मत कहो मुझे ज़्यादा इंतज़ार मत कराओ वहाँ के वेटर ने कहा कि आपके लिए कोई भी कॉप नहीं है मतलब हम पुलिस नहीं बुलाने वाले वहाँ के दो वेटर्स ने सोपी को बाहर ला एक पेमेंट में थ्रो किया और थ्रो और सोपी अपने लेफ़्ट ईयर पे गिर गया सोपी कैसे भी खड़ के करके खड़ा हुआ और उसने देखा कि एक पुलिस मैन बाजू से जा रहा था और वो उस पर हंस रहा था आगे फाइव ब्लॉक्स सोपी चलने के बाद उसे और एक अपॉर्चुनिटी दिखी जो जिससे उसने फुलिशली ली एंड ईजी टास्क समझ लिया एक किंच समझ लिया वहाँ पे एक यंग लेडी मॉडेस्ट एंड प्लीजिंग गाइस यानी अपेरेंस के साथ एक शॉप के सामने खड़ी होकर शॉप विंडो से शेविंग मग्स एंड इंक स्टैंड को देख रही थी और उसके बाजू में टू ईर्स अवे एक पुलिस मैन तो बहुत ही स्ट्रिक्ट दिख रहा था वो भी खड़ा था सोपी ने एक मैशर बनने का सोचा मैशर मीन्स अ मैन हु मेक्स एडवास स्पेशली टू वुमेन ही डज़ नॉट नो विद अ व्यू ऑफ फिजिकल इंटीमेसी जब वो उस लेडी के पास जा रहा था तब जो कॉप था उसकी नज़र भी सोपी पे पड़ी तब उसे बिलीव होने लगा कि अब वो जो ऑफिशियल क्लच है वो अब उसके हाथों में आने वाला है और जल्दी वो अरेस्ट होने वाला है सोपी वो वुमेन के साथ डिसरिस्पेक्टुल डिसरिस्पेक्टफुल बात करने लगा अगर वो यंग वुमेन सोपी की तरफ इशारा करती और उसे पकड़ने के लिए बोलती तो पुलिस मैन उसे पकड़ लेता और उसे जेल में डालता और सोपी जल्द ही इंसुलर हेवन यानी कि जो आइलैंड है वहाँ पे जाता बट वो जो यंग वुमेन है वो भी जो वो भी सोपी के साथ वैसे ही बात करने लगी और उसका जो प्लान था वो भी फेल हो गया वो वहाँ से निकल गया थोड़ी देर चलने के बाद वो एक डिस्ट्रिक्ट में पहुँचा उसने देखा कि वहाँ पे वेमेंस एंड मेन्स फर्स्ट एंड ग्रेट कोर्स में जो विंटरी एयर है उसमें चेयरफुली चल रहे थे सोपी को लगा कि कोई ड्रेडफुल इंचैटमेंट मतलब एक्सट्रीमली बैड मैजिक ने उस पर जादू किया है और उसकी वजह से वो अरेस्ट के लिए इम्यून हो गया है इसी दौरान उससे एक पुलिस मैन दिखा जो भी जो कि एक ट्रांसप्लेंटेंट थिएटर के सामने खड़ा था और तभी उसे डिसऑर्डरली कंडक्ट का आइडिया आया डिसऑर्डरली कंडक्ट मतलब द ऑफेंस ऑफ बिहेविंग इन अ डेंजरस और डिस्टर्बिंग वे इन पब्लिक सोपी चिल्लाने लगा वो मीनिंगलेस बातें करने लगा उसकी हार्ड वॉइस में वो डांस कर रहा था वो लाउड नॉइसेस कर रहा था इलॉजिकल बातें कर रहा था वो अपने आसपास पास की वेल्किन द वर्ल्ड अराउंड हिम डिस्टर्ब कर रहा था तभी उसने जो पोलिस मैन था उसे एक सिटीज़न के साथ बात करते हुए सुना कि ये जो व्यक्ति है दैट इज़ सोपी वो येल यूनिवर्सिटी का एक कोई तो स्टूडेंट है एंड येल यूनिवर्सिटी सेलिब्रेट कर रही है बिकॉज उन्होंने हार्डफोर्ड कॉलेज जो है उसे एक गेम में ज़ीरो स्कोर से हराया है इसलिए हमें ऐसे इंस्ट्रक्शन आया है कि उन्हें उनका सेलिब्रेशन करने दें बिकॉज इट इज़ नॉइजी बट कुछ हार्म नहीं है ये सुनने के बाद सोपी अनहैप्पी हो गया सैड हो गया और उसने जो वो वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था उसने वो रोक दी और उसे लगा कि क्या सच में कोई भी पुलिस मैन उसे गिरफ्तार नहीं करेगा क्या वो कभी उस आइलैंड में नहीं जाएगा और ये उस ये, ये कर ये सोचते समय एक ठंडी हवा का झोंका आया और इसकी वजह से सोपी ने अपने कोट के बटन बंद बंद कर दिए उसके बाद सोपी ने देखा कि एक सिगार स्टोर में एक वेल ड्रेस्ड मैन सिगारेट जला रहा था उसने उसकी एक सिल्क अम्ब्रेला वो शॉप की एंट्री डोर में रखी हुई थी सोफी अंदर गया उसने वो अम्ब्रेला उठाई और बाहर की तरफ भागने लगा वो मैन भी उसके पीछे भागने लगा और बोलने लगा मेरी अम्ब्रेला मेरी अम्ब्रेला सोफी ने कहा अच्छा ये तुम्हारी अम्ब्रेला है तो तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते ये तुम्हारी अम्ब्रेला है ना तो जाओ पुलिस को बुलाओ वहाँ पे एक पुलिस खड़ा हुआ है अम्ब्रेला का जो ओनर था उसकी जो चलना चलने की जो गति है वो धीरे हो धीमी हो गई सोपी भी उसके साथ धीरे धीरे चलने लगा और अब उसे लगने लगा कि ये प्लान भी फेल होने वाला है सोपी को बाद में पता चला कि ये जो अम्ब्रेला ओनर है ये सच में वो सिल्क अम्ब्रेला का ओनर नहीं था उसने भी ये अम्ब्रेला मॉर्निंग में किसी रेस्टोरेंट से उठाई हुई थी इसलिए उसने सोपी को कहा कि मुझे माफ़ कर दे ये बोलने के बाद वो अम्ब्रेला का ओनर वहाँ से चला गया इस दौरान जो पुलिस मैन उन दोनों को देख रहा था वो भी वहाँ से चला गया एक लेडी को हेल्प करने के लिए सोपी भी वहाँ से निकल गया उसने एंग्रीली वो अम्ब्रेला एक में फेंक दी और पुलिस वालों के बारे में कुछ तो बोलने लगा वो सोचने लगा कि उसे जेल में अरेस्ट होना है और वो पुलिस वाले उसे एक किंग की तरह इमेजिन कर रहे हैं जो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता सोपी फिर से वापस अपने मेडिसन स्क्वायर के पार्क बेंच में जाने के लिए रवाना हो गया इसी दौरान रोड के कॉर्नर में सोपी एकदम शॉक हो गया और उसे एक ओल्ड चर्च दिखा जो कि क्वेंट रैम्बलिंग एंड गैबल था मतलब एक अट्रैक्टिवली ओल्ड फैशन लेंदी गैबल मींस अ ट्रेंगुलर पार्ट ऑफ एन आउटसाइड वॉल दिखा वहाँ पे एक ऑर्गेनिस्ट म्यूजिक बजा रहा था बिकॉज संडे संडे की एंथम दैट इज दबैद एंथम प्रेयर की वो प्रैक्टिस कर रहा था उसका जो वो वो म्यूजिक से सोपी uh, उसका जो स्वीट म्यूजिक था उससे सोफी ट्रांसफिक्स हो गया ट्रांसफिक्स टू मीन्स टू कॉज टू बिकम इमोशनलेस एंड वो बाहर ही आयन फेंस के बाजू में खड़ा हो गया उस टाइम मून बहुत ही लश्च्रियस एंड सीरीन इज uh, शाइनी था व्हीकल्स एंड पेडिस्ट्रियन बहुत कम थे स्पैरोज अपनी रूफ स्पेसिस में और उसे पता चल गया कि वो एक कंट्री का वो कंट्री चर्च यार्ड है चर्च यार्ड मीन्स एन इनक्लोज एरिया सराउंडड अ चर्च उसे जो ऑर्गेनिस की जो एंथम थी वो कुछ जानी पहचानी लगी उसे अपने पास के डेज याद आने लगे जब उसके साथ सब कुछ अच्छा था उसके पास म, मदर रोजेस एम्बिशंस फ्रेंड्स थे इमेकुलेट था एंड कॉलर्स यानी कि प्योर थाट्स एंड कॉलर्स थे सोपी की स्टेट ऑफ माइंड रिसेप्टिव हो गई ओपन माइंडेड हो गई एंड जो ओल्ड चर्च की मेमोरीज थी उससे उसका हृदय परिवर्तन हो गया उसे ये रियलाइज हुआ कि वो कैसे डेंट में आके गिर गया था उससे वो सारे डिग्रेडेड डेज अनवर्दी डिजायर्स, डेड होप्स रेड फैकल्टीज एंड बेस मोटिवस यानी सारे पुराने पुराने नहीं बट सारे वो बुरे दिन याद आने लगे वो सारे बुरे दिन याद आने लगे उसे डेस्परेट फेट से लड़ने की शक्ति मिली उसने सोचा कि जो भी कुछ मिस हुई है वो उससे बाहर आएगा जिसे भी एविल ने उसकी ये सारी हालत की है वो उससे लड़ेगा अभी भी टाइम था सोपी यंग था उसके जो पुराने एम्बिशंस थे वो अभी भी उनको रिबिल्ड कर सकता था उसने सोचा कि अगले दिन वो डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट में जाके काम ढूंढेगा एक फॉर इम्पोर्टर ने उसे एक बार एक ड्राइवर की पोस्ट के लिए ऑफ़र की थी तो वो उसे जाके ढूंढेगा और वो पोजीशन के लिए अप्लाई करेगा वो काम करेगा एंड वो इस दुनिया में कुछ तो भी बन के ही रहेगा इसी दौरान सोफी को अपने आम आम पे एक हैंड का एहसास हुआ उसने टर्न करके देखा तो उसे एक पुलिस मैन का फेस दिखा एक पुलिस मैन वहाँ खड़ा था और उसने उसे पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो सोफी ने कहा कुछ भी नहीं तो पुलिस मैन ने बोला कि चलो मेरे साथ और दूसरे दिन मैजिस्ट्रेट ने पुलिस कोर्ट में सोफी को थ्री मंथ्स ऑन द आइलैंड के लिए सजा दी इट मीन्स जब सोपी ने डिसाइड किया कि अब वो कुछ करेगा अपनी लाइफ में तब उसे सजा हुए जब वो इतनी कोशिश कर रहा था जेल में जाने के लिए तब उसे अरेस्ट नहीं किया जा रहा था इट टेल्स दैट लाइफ इज़ आयरॉनिकल